मुख्यालय के मोकरी गांव में बीती रात पटना पुलिस और अरवल पुलिस के सहयोग से कई पुलिस की गाड़ियों एवं दर्जनों पुलिस बल के साथ बेवजह मास्टर शिव कुमार के घर में घुसकर जबरदस्ती उनके बेटे संतोष कुमार और नई नवेली बहू और बच्चों एवं बुजुर्ग पत्नी के साथ गाली गलौज एवं मारपीट एवं दुर्व्यवहार करने के साथ संतोष कुमार को पकड़कर थाना ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की जानकारी पाकर शनिवार की सुबह स्थानीय विधायक महानंद सिंह परिजनों को संतावना देने पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि बीती रात को पटना पुलिस और अरवल पुलिस के द्वारा प्रतिष्ठित मास्टर शिव कुमार के घर में जबरदस्ती मेन गेट एवं घर के कई सारे दरवाजे तोड़कर घर में बिना लेडीज कांस्टेबल के घुसा और सामानों के साथ तोड़फोड़ एवं उपद्रव मचाया गया और उसके बाद नई नवेली दुल्हन और बड़ी बहू एवं उनके बच्चों के साथ भी मारपीट एवं दुर्व्यवहार किया गया। उसके बाद उनके पुत्र संतोष कुमार को जबरदस्ती पकड़कर थाना लाया गया, जबकि वह बार बार हाथ पैर जोड़कर कह रहा था कि संतोष कुमार पिता शिव कुमार मैं हूँ, मैंने किसी का कोई मर्डर नहीं किया है, हम अपराधी नहीं है। जबकि पुलिस के द्वारा उसी गाँव के संतोष कुमार पिता शिव प्रसाद की तलाशी थी, जो अरवल वासिलपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष संजय सिंह के साला के मर्डर 2019 में तीन लोगों ने मिलकर कर दिया था, जिसके विरुद्ध पालीगंज थाने में एक संतोष कुमार पिता शिव प्रसाद एवं अनुपम कुमार और अरुण कुमार के खिलाफ नामजद प्राथमिक दर्ज कराई गई थी। लेकिन पुलिस के आगे लोगों के द्वारा काफी गिड़गिड़ाने के बाद भी पुलिस एक भी नहीं मानी और जबरदस्ती बूढ़ी मां के साथ एवं बूढ़े पिता के साथ दुर्व्यवहार किया और धक्का मुक्की से काफी लोगों को चोट भी आई है। पीड़ित व्यक्ति संतोष कुमार ने बताया कि थाने ले जाकर जब इस बात की पुष्टि हुआ कि मर्डर करने वाला अपराधी कोई और है, तो उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती लिखवाया कि हम अपने संवेक्षा से थाने की बुलावा पर आए थे, जबकि यह सरासर पुलिस वालों की गुंडागर्दी है। इसके लिए हम लोग पुलिस के विरुद्ध सड़क पर उतरेंगे और एसपी, डीआईजी एवं डीजीपी तक इसका शिकायत करेंगे। हम लोग सोते हुए थे तो पूरा देखे कि शोर हो रहा है, तो उठे थे देखे कि ढेर सारा पुलिस घर में घुस गया है और पूरा तहस नहस सब करने लगा। जब मेरे हस्बैंड पूछे कि क्या कर रहे हैं, आप लोग कौन है, कैसे हैं, तो वो बोला कि से आपका भाई है, से वो कार्रवाई किया हुआ है, पटना से हम लोग आए हैं, अब पूरा एकदम पालीगंज से आप पूरा एकदम मारने लगे एकदम। हम कहें कि छोड़ दीजिए, मुझे भी टेल दिया, मेरी सासू माँ को भी टेल दिए कि बेहोश हो गई आधा घंटा, अब पूरा एकदम तहस नहस करके मारने लगे सब, गाली गलौज पूरा भदा भदा देने लगे, मेरी गोतनी को भी एकदम गंदा गंदा गाली देने लगे पूरे जैसे तैसे। नहीं, लेडीज पुलिस नहीं थी, खाली जेंट्स, हाँ जेंट्स लोग खाली थे पूरा। संतोष कुमार मेरा नाम है। रात को 11:30 बजे करीब 45 की संख्या में पुलिस घर में घुस आई, सब मेरा नाम पूछने लगा कि कहाँ है मर्डर, कुछ बोला नहीं, ऐसे ही कि कहाँ है संतोष, कहाँ है, और फेंक फाँक सब सामान है, मेरे भाई साहब को मारा, माँ को मारा, फिर मेरी भाभी और मेरी पत्नी को भी गाली गलौज कर किया, सब सामान इधर उधर कर दिए, बोले कि मेरी पत्नी को, हम ऊपर छत पे थे, बोले पत्नी को कि ये दीवान पलंग में अंदर घुसा हुआ होगा, तो दरवाज़ा तोड़ दिए, ये सामने दरवाज़ा है, और उसको बड़ी अफसर बोले बहुत रोत रही, तब तक हमको नींद टूटा, ऊपर छत पे थे तो नीचे आए तो देखे कि पुलिस वगैरह थी, तो पूछे क्या हुआ कि तुम का नाम है तुम्हारा, हम बोले कि संतोष कुमार, इतने सब हम पे टूट पड़ा, सब पकड़ के और साथ लेके चले गए। कितना बजे? लगभग 11:40 या 45 टाइम। कौन थाना था? सीसीटीवी कैमरा भी होगा। बोले कि हम पालीगंज थाना है, प्रदीप कुमार शायद कोई। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर वह थाना में ले गए, यहाँ से रास्ते में पूछे कि क्या नाम है, तो हम बोले कि संतोष कुमार देव नाम है, और फिर बोले कि किसी और मेरे जगह किसी और कोई संतोष कुमार था, फिर हम बोले कि मेरा वेरिफिकेशन कर लीजिए सर, या जिसका केस है या उसी से बोले किसका केस है तो बताएं, तो उनसे हम फोन करवा दिए, जो कि पैक्स अध्यक्ष का केस था, तो पैक्स अध्यक्ष केस फोन कर दिए उनके दरोगा के पास कि नहीं ये लड़का नहीं है, वहाँ जाकर हमसे बरियारी लिखवाए कि तुमको सुरक्षा से हम थाना में बुलाए हैं, जो कि थाना में सुरक्षा से बुलाते तो कोई गंजिया पैंट पर नहीं जाता, बिना चप्पल के नहीं जाता, वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा में भी होगा, सब तोड़फोड़ किया है। हाँ, ये घर में बहुत तोड़फोड़ किया है, मेरी माँ को मारा है, मेरे पापा बुजुर्ग हैं, उनको इतना मारा कि एकदम पैर पकड़ ले रहे थे, नहीं तो वहाँ भी पैर, उनका मेन गेट पे भी पैर पकड़ रहे थे थाना के मेन गेट पर कि नहीं ये नहीं है, पहले हमको प्रूफ दीजिए, ये दीजिए, ऐसा मेरा लड़का नहीं है। नाम क्या? मेरे पापा का शिव कुमार सिंह, मेरा आपका? मेरा संतोष कुमार।
और रात में आप यहाँ शिव कुमार बाबू हैं जो बहुत ही प्रतिष्ठित रिटायर्ड शिक्षक हैं, इनका पुत्र संतोष कुमार। संतोष कुमार के नाम से कोई पालीगंज में केस है लेकिन पता दूसरा है, मोकरी नहीं है, गोवर्धन स्थान के पास रहने वाला पता है, लेकिन पुलिस इनके पास आ गई रात में 11 बजे, केमाड़ी खुलवा रही थी, लोग सोए हुए थे, लोग सुनाई नहीं पड़ा, पंखा के ये में सुनाई पड़ता नहीं है, तो पुलिस ने केमाड़ी तोड़ करके, जो अभी आप देख सकते हैं केमाड़ी तोड़ा हुआ है, तोड़ करके अंदर घुसी। लोग ये बुजुर्ग शिक्षक हैं, ऑनरेबल शिक्षक हैं, प्रतिष्ठित शिक्षक हैं, इनकी एक प्रतिष्ठा है, ये बात कहते रहे, पूछते रहे कि क्या मामला है, क्यों आप लोग आए हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं था। पदाधिकारी जो था वो पता ना, वो पुलिस है पदाधिकारी है कि गुंडा है कि क्या है, ये तो समझ में नहीं आता है। कोई महिला पुलिस के साथ नहीं आया, घर में घुस करके और जिस तरह से तोड़ फोड़ मचाया, यहाँ गुंडागर्दी की गई, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इनका बेटा संतोष कुमार के लेकर के गया थाना में, और जब वो जांच पड़ताल किया तो पता चला कि ये वो संतोष नहीं है, दूसरा संतोष है। अब शुरू में ही हम यही कहना चाहते हैं कि पीपुल्स फ्रेंडली की बात करती है नीतीश सरकार, कि पुलिस को पीपुल्स के साथ, जनता के साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए, लेकिन इस तरह का व्यवहार जो है पुलिस का, गुंडागर्दी वाला जो व्यवहार है, ये बहुत ही खतरनाक है, जनता में काफ़ी आक्रोश है। तो इससे तो दोस्ताना व्यवहार और लॉ एंड ऑर्डर का मामला कंट्रोल नहीं होगा, इससे तो और विस्फोटक बनेगा। यदि ये गड़बड़ी नहीं करती पुलिस, शुरू में ही इन लोगों की बात मान लेती, सुन लेती, कम से कम बात भी सुन लेती, बाद में जो करना था सो करते, लेकिन बात सुन लिया करती तो ये हादसा नहीं होता, ये घटना नहीं घटती। बाद में पुलिस वही की जो ये लोग कह रहे थे कि भाई हमारी बात सुन लीजिए, लेकिन ये सारा तोड़ फोड़ करके थाना में ले जा करके और इनको छोड़ा गया तो एक बॉन्ड बनाया गया, कहा कि से हम स्वेच्छा से बुलाए आपको, आप आ गए, तुमने बुलाया और मैं चलाया, इस तरह की बात नहीं थी। ये अरवल और पालीगंज की थाना थी, अरवल के थाना, अरवल थाना में बुलाया गया, अरवल थाना के भी पदाधिकारी थे, बिना अरवल के थाना के पदाधिकारी के पालीगंज के थाना किसी के घर में घुस करके इस तरह से थोड़े ही करेंगी, तो अरवल थाना का ही इस मामले में ये रहा है। तो बुला करके और कहा गया कि इसे तुमको हम स्वेच्छा से बुलाया, तो ये तो बहुत गलत बात, आपने तोड़ फोड़ करके बोले कि आप स्वेच्छा से कहाँ बुलाए हैं, हमको घर में सब तोड़ फोड़ किए, मारते हुए लाए हैं, पीटते हुए लाए हैं, स्वेच्छा से लाए हैं। तो कहा कि हम तुरंत ये करेंगे, राइफल तान दिया, कहा कि गोली मार देंगे, तब जा करके ये लोग दस्तखत किया है। ये वर्दी का रौब दिखा रहे हैं लोग, ये गुंडागर्दी जो है, ये गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम कहते हैं कि जनता की बात सुननी होगी, गुंडा को पकड़िए, नाक के नीचे गोली चलाने वाले लोग इनसे गिरफ्तार नहीं होता है, इनके नाक के नीचे मर्डर करने वाले लोग आज तक गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, कभी कोई दारू के नाम पर तो कभी आपस में झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, उसके नाम पर पकड़ करके और ये अवार्ड ले रहे हैं, और यहाँ पूरे गुंडों के संरक्षण में यहाँ सारा काम हो रहा है, अब पुलिस के संरक्षण में ये सब चल रहा है। आप थाना में जाइए तो देखिएगा कि जितना जो आवारा टाइप के लोग हैं, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, जो किसी का समाज में कोई वजूद नहीं है, जो लूटपाट करने वाले लोग हैं, जो धोखा देने वाले लोग हैं, आज थाना में उन्हीं लोगों का अड्डा बन गया है। आज जो है आप देखिए कि ऐसे लोगों का ये चल रहा है। तो हम कहना चाहते हैं, बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि यहाँ के थाना प्रभारी और यहाँ के एसपी के सह में और यहाँ पूरा चल रहा है, पूरे जो है पुलिस के खिलाफ माहौल बना हुआ है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के रोल से, इस तरह के व्यवहार से किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर और शांति व्यवस्था नहीं किया जा सकता।